अभी मुझे पता ही नहीं चला। ओह माय गॉड, वाओ। ये छठी लाइन फाटक है और मैं मेट्रो का वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब तक आएगी मेट्रो, तब तक चलते हैं पैदल। बहुत सारी मेट्रो मिली पर भेड़ाघाट जाने वाली मिली थी, दीनदयाल जाने वाली नहीं मिली। तो अब हम जाएंगे ऑटो से। ऑटो में अहिंसा चौक के लिए। ये है अहिंसा चौक और मैं यहाँ से जाऊँगी पैदल। ये रहा कचनार सिटी जाने वाला रोड, आप पैदल मत जाना। मेरी आदत है पैदल चलने की, तो मैं पैदल चल लेती हूँ 1-2 किलोमीटर तक। यहाँ से पैर धुल के अंदर जाते हैं, तो मैं भी धुल लेती हूँ अपना पैर। पानी की छींटा भी मार सकते हैं, जरूरी नहीं है पैर धुलना। और आगे है सूज उतारने का स्टैंड, अब चलते हैं अंदर सूजी के पास। और ये रहे मेरे शिव जी, जिनकी ऊंचाई लगभग 76 फीट की है। और शिव जी के सामने नंदी महाराज भी हैं। बोलते हैं ना, नंदी महाराज के कान में जो भी बात बोलते हैं वो सबसे पहले शिवजी तक पहुंचती है और भी जल्दी पूरी होती है। इतने सारे लोग आए हैं देखने। अब चलते हैं गुफा के अंदर। गुफा के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, तो चलते हैं दर्शन करने। ये रहा गुफा में एंटर करने का द्वार और अब हम चलते हैं गुफा के अंदर और दर्शन करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की। ये रहा फर्स्ट ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी गुजरात।
अर्जुन जी हैदराबाद, और ये थर्ड श्री महाकालेश्वर जी उज्जैन मध्य प्रदेश, चौथा श्री ममलेश्वर जी मध्य प्रदेश, और ये पांचवा श्री वेजनाथ जी परली, और ये छठवा श्री भीम शंकर जी पूना महाराष्ट्र, और ये आठवां श्री नागेश्वर जी गुजरात, और ये नौवां श्री विश्वनाथ जी यूपी वाराणसी, और ये दसवां श्री त्र्यंबकेश्वर जी महाराष्ट्र, केदारनाथ जी उत्तरांचल, और ये लास्ट बारहवा श्री उस्मेश्वर जी औरंगाबाद, और ये रहा गुफा से बाहर जाने का रास्ता द्वार, तो अब हम चलते हैं बाहर। यहाँ त्योहारों में भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, महाशिवरात्रि में तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है यहाँ पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से कर दो लाइक, और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।